हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिंस। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को 40+ M टैबलेट के बारे में बताऊंगा। इसे कब और कैसे लेना होता है, किन प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है, कितने दिन तक इसे लेना होगा, कितने दिन में इसको यूज़ करने से फ़ायदा देखने को मिलेगा, साथ साथ हम ये भी जानेंगे क्या इसके नुकसान देखने को मिलते हैं, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। 40+ M टैबलेट एक कॉम्बिनेशन एलोपैथिक दवा है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वह है 317 रुपये, यानी 317 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है माइक्रो लैब्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है एल कार्निटिन, एस्टाक्सथिन, लाइकोपेन, जिंक एंड को एंजाइम Q10। इन दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। और ये जो दवा है आपको हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है, ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। जिन पुरुषों का स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम है उसे बढ़ाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, या फिर जिन पुरुषों का वीर्य बहुत ज़्यादा पतला है उसे गाढ़ा करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, वीर्य से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसे ठीक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इन तीनों प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है और इसी में इसके बेनिफिट्स भी देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को कब और कैसे लेना होता है। तो देखिए, इसकी एक टैबलेट आपको पर डे लेनी होती है, चाहे आप रात में ले लीजिए चाहे आप सुबह ले लीजिए। खाना खाने के बाद दूध या पानी के साथ लेना होता है कंटिन्यू। कब तक लेना होगा? तो ये लेना होगा आपको 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक, हो सकता है उससे ज़्यादा भी डॉक्टर चला दें। अब मैं आपको बताता हूँ क्या इसकी डोज को बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, कई लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो इसकी डोज को अब 20 से 30 दिन के लिए हो सकता है कि वह एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद दे दें। इस तरीके से इस दवा को जो है यूज़ किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि इसका रिजल्ट कितने दिन में देखने को मिलेगा। तो इसका रिजल्ट आपको 7 से 10 दिन में देखने को मिलने लगेगा, आप खुद ये महसूस कर पाओगे। अब हम जान लेते हैं कि इससे क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट। दवा लेने के बाद अगर किसी को बहुत ज़्यादा दस्त होने लगे पतले, तो समझ लीजिए कि उन्हें ये सूट नहीं हो रहा, या फिर उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या आपके शरीर पे चकते दाने खुजली होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। कोई भी दवा यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।